हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका एक्सरसाइज 14.2 का पेज नंबर 275 पे, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि द फॉलोइंग डेटा गिव्स इन्फॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, डिटरमाइन द मीडियन लाइफ ऑफ द कंपोनेंट। तो अब जो ये क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि हमने पहले देखा, पहले हमने मीन से किया था, तो अब हमको मोड निकालना है इसका। मॉडल लाइफ टाइम मांगा गया है, तो मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है लाइफ टाइम इन आवर्स दिया हुआ, लाइफ टाइम दी हुई है उन कंपोनेंट्स की, और फ्रीक्वेंसीज दी गई है। मतलब 0 से 20 घंटे की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 कंपोनेंट्स की है, 20 से 40 घंटे की 35 कंपोनेंट्स की है, 40 से 60 आवर्स की 52 कंपोनेंट्स की है, और इस टाइप से सारा डेटा हमको दिया हुआ है। तो जो हमारा ये है सिग्मा एफ, ये आपका 225 है। देखते हैं इसकी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं हमको। अब देखिए, मोड निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है आपका L प्लस एफ वन माइनस एफ ज़ीरो अपॉन 2F1 माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू इंटू एच। ये फॉर्मूला है जो हमको यूज करना है। ओके, अब देखिए अभी क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, L तो है आपकी, L जो होता है हमारा वो है हमारी लोअर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब देखिए क्या होता है, मोड का मतलब होता है कि जहाँ पर भी फ्रिक्वेंसी आपको सबसे ज़्यादा दिख रही है। देखिए, 10 है, 35 है, 52 है, 61 है, 38 है, 29 है। इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो 61 है। तो 61 ये हमारी जो है, ये टोटल हमारी हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास। ओके, तो ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। तो मॉडल क्लास में जो ये हमारी लिमिट्स हैं, ये जो पूरा हमारा जो सेगमेंट है, ये पूरा सारा यही हमने यूज करना है। तो अब देखिए इसमें से ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो 60 है ये हो गया आपका L, मतलब लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हो गई हमारी 60। अब देखिए ये जो 61 है, ये सारी फ्रीक्वेंसीज हैं हमारी। तो फ्रीक्वेंसीज में अपने जो ध्यान रखना है, वो ध्यान रखने वाली जो बात है, तीन फ्रीक्वेंसीज हमने इसमें से यूज करनी है। देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी, जो मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास से पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी वो है F0, जो मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी वो है F1, और उसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी वो है F2। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हमारे पास इसमें से सब कुछ आ गया, L हमको पता चल गया, F1, F0, F2 हमको सारे पता चल गया। H देखिए क्या है, H है जो हमारे पास जो ये इंटरवल है 20 से 40, 0 से 20, इनके बीच का गैप। तो गैप तो सीधा सीधा दिख रहा है, 20 और 40 के बीच में जो गैप है वो 20 का है। अब इसमें से इसको घटा भी सकते हैं, 20 में से 0 घटाएंगे तो 20 आएगा, इन सब में से आप किसी को भी घटाएंगे तो आएगा आंसर आपका 20। तो H है हमारा इंटरवल का गैप। तो वैल्यूज़ रख लेते हैं, L की वैल्यू आ गई हमारे पास 60, प्लस F1 हमारे पास आ गया 61, माइनस F0 हमारे पास आ गया 52 अपॉन 2F1। 2F1 का मतलब हो गया, 2 को इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, तो आ गया आपका बस 122 माइनस F0 माइनस F2 52 माइनस 38। तो 52 माइनस 38 को हम दोनों को ऐड ही कर लेते हैं, तो हो गया आपका 90 इंटू H की वैल्यू है आपकी 20। ऑलराइट, इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 60 प्लस ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 32 इंटू 20। तो ये सबको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन करके जो हमारे पास आ रहा है, इसका आ रहा है ये 5.625। तो दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 65.625। तो ये वैल्यू हो गई आपकी मोड की, मतलब जो हमको क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, व्हाट इज डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। तो जो मॉडल लाइफ टाइम आएगा कंपोनेंट्स का वो है 65.625। ठीक है, ओके, तो यही हमारा इसका आंसर है। तो आपको ऐसा करना है, ध्यान इसमें यही रखना है, आपको मॉडल क्लास सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। मॉडल क्लास निकालने के लिए आपको जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को आपने ऑब्जर्व करना है, और उसी में से आपने L को फाइंड आउट करना है, और F0, F1 और F2 आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की है वो F1 है, और उससे पहले वाली F0 है, और उसके बाद वाली जो है वो F2 है। ओके,